मंडी का 41 साल का युवक मलेशिया में किसी संकट में फंसा हुआ है। युवक के बड़े भाई ने प्रशासन से अपने भाई को सुरक्षित भारत वापसी लाने की केंद्र सरकार से लगाई गुहार। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तुरंत कार्रवाई का दिया भरोसा। आपको बता दें कि युवक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया गया हुआ था। ओपीएस बहाली पर 28 मई को धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में आभार समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश भर से हजारों की तादाद में कर्मचारी होंगे शामिल। वहीं समारोह में 1 लाख लोगों के पहुंचने का टारगेट रखा गया। ऊना में 3 दिवसीय पीपलू मेले का आयोजन 30 मई से 1 जून तक किया। सीएम मुकेश और साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। नान में कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री सहित 2 कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी चर्चा हुई। लंपी वायरस के बढ़ते मामलों के चलते नालागढ़ उपमंडल पशु चिकित्सा ने भी अलर्ट जारी कर दिया है।